करिए एनडीए 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटर्न प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद साथियों, सील डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम है साथियों। इसमें हमें ये विशेष करके ध्यान देना होगा कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि बचे हुए 30 दिनों में हम किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरीके से रणनीति बनाएं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें साथियों, तो बायोलॉजी में 3 सेगमेंट विशेष करके देखे जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल एंड टिश्यू। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन से सेगमेंट को विशेष करके हमें देखना है कि हमारा मानव शरीर की अच्छे से कवर हो जाए। तो बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं उसमें कौन से सिस्टम साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना होगा, दूसरा आपको क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना होगा। सर्कुलेटरी का मतलब समझते हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं साथियों। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको विशेष करके पढ़ना होगा, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और साथियों एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। यानी कि एक तरीके से अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया यानी कि तंत्रिका तंत्र हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एक तरीके से अंतःस्रावी तंत्र हो गया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर ये 4 टॉपिक आप देखते हैं तो अच्छे से आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन कर सकते हैं। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो साथियों इसमें, हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चीज और कर सकते हैं, यहां पर एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो नौ फाइलम हैं, जो मेजर नौ फाइलम हैं, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में पहली बात तो प्लांट किंगडम के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से, प्लांट किंगडम के बारे में, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि हार्मोन्स का अध्ययन करना, हार्मोन वगैरह का, फोटोसिंथेसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन की बात, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं यहां पादप शारीरिकी के बारे में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए साथियों। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल एंड टिश्यू, यानी कि कोशिका और ऊतक पर हमें विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यहां से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं इस टाइप से, और टिश्यू को कई बार ऐसा होता है कि एनिमल किंगडम से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो साथियों अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप बायो में मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हैं।